जांच कहां तक आ। छतरपुर में थाने पर जो पथराव हुआ था, अब उसकी साजिश के जुड़े हुए तारों का एक एक कर खुलासा हो रहा है, एक एक कर परत निकलकर सामने आ रही है। मामले को लेकर जो सच सामने आया है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। पूर्व सदर जो संदेश कार्ड भेजता है मुस्लिम समाज के लोगों को और उन्हें इकट्ठा करता है एक जगह पर, यह संदेश कार्ड हजारों मुस्लिम परिवारों तक पहुंचाया गया था, जिसके बाद थाने में हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए थे और फिर जो हुआ वो सबने देखा, सबको पता है, सब जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तनाव क्यों बढ़ाया गया, इसके पीछे का मकसद क्या था। महाडिबेट आज इसी पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। कोतवाली पर पथराव, क्यों बढ़ा तनाव। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन लें, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियमानुसार काम होगा। पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे, ध्यान रखिए। साजिश वाला लेटर सामने आया गुनहगार। करीब 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो मुख्य आरोपी था उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। व्यक्ति का घर तोड़ा है, या तो वो अवैध होना चाहिए, और अगर अवैध नहीं है तो घर क्यों तोड़ा है, किस कानून के अंतर्गत तोड़ा है। अब तक 20 गिरफ्तार और कितने किरदार। उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे लोगों को निस्तनाबूत कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। साजिश की जांच कहां तक आज। आज दिन में हाजी शहजाद अली का जो अवैध निर्माण था उस पर भी प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिलकर के उस निर्माण को ध्वस्त किया। छतरपुर में कोतवाली पर पथराव की साजिश का खुलासा हो गया है। जो लोग शिकायत देने गए वही गुनहगार बन गए और इसके पीछे की साजिश रची पूर्व सदर ने। अब सवाल ये आता है, आखिर इस साजिश के पीछे की वजह क्या थी और इसके तार कहां तक हैं? इसी पर करेंगे आज महाडिबेट। थाने पर पथराव के पीछे की क्या साजिश थी उसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़े खेल के लिए यह साजिश रची गई थी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। महाडिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी आज की, वो सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल महाडिबेट का रहेगा कि पथराव के पीछे आखिरकार बड़ी साजिश क्या थी, क्यों संदेश कार्ड भेजकर हजारों लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया। अगला सवाल, 20 गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने किरदार हैं जिनका सामने आना बाकी है। तीसरा आखिरी सवाल रहेगा, साजिश की जांच तो हो रही है, कहां कहां तक आज पहुंचेगी, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। महाडिबेट शुरू करेंगे, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं धीरेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी के विधायक हैं आशीष शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस के नेता मोहम्मद आसिफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से, बहुत स्वागत है आपका सर। और थोड़ी देर में एक और मेहमान जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनके जुड़ने की हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन पहले आशीष शर्मा जी, ये संदेश कार्ड जो भेजा गया जो अब जांच में निकलकर सामने आया है, लेकिन एलआईयू क्या कर रहा था, क्यों नहीं पहले ये पता लगा पाया कि इस तरह से हजारों लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोला जा रहा है थाने के बाहर, लगता है कि कहीं पहले चूक भी हो गई। देखिए, जब भी इस तरह की घटना होती है तो इस बात पर सवाल तो खड़ा होता ही है कि इंटेलिजेंस के पास ये जानकारी थी क्या कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने वाले हैं। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, ज्ञापन देने का अधिकार सबको है, लेकिन जो जिनके ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था संभालने का काम जो करते हैं, उस पुलिस पर यदि पथराव हो जाएगा, निरीक्षक घायल हो जाएंगे, जवानों को चोट लगेगी, तो फिर कानून का मतलब क्या रह जाएगा। और इसलिए जब कभी भी इस तरह की घटनाएं समाज में होती है तो उनको करने वालों पर कठोर कार्रवाई या कठोर दंड उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण वर्षों तक वहां का सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाता है, पुलिस प्रशासन को, सुरक्षा बलों को कई दिनों तक वहां का जन जीवन सामान्य करने में मशक्कत करना पड़ती है। और इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को बहुत
इस तरह का समझता है कि वो उसके कहने में पूरे लोग इकट्ठे होकर पथराव भी कर देंगे, धंधा भी कर देंगे, तो ऐसे जो इक्के दुक्के लोग हैं जो पूरे समाज के वातावरण को खराब करते हैं, उनको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार। हाँ ठीक है, दंड देने की बात आप कर रहे हैं, 20 लोगों का जुलूस निकाल लिया गया, लेकिन यहाँ मैं आपके पास आऊंगी मोहम्मद आसिफ साहब, जरा ये बता दीजिए कि ये भी कहा गया कि जो पूर्व सदर है हाजी इरशाद अली, ऐसा शायद नाम है कुछ, उसका संपर्क कांग्रेस पार्टी से रहे। क्या कानून ये कहता है? एफआईआर होती उसका घर तोड़ दीजिए, अभियंता वो कौन सी कानून की किताब में लिखा हुआ है आप ही बता दिए, मुझसे अच्छा आप जानती हैं किस कानून में लिखा है अवैध हो गया एफआईआर होते ही मकान उसका जिसमें वो सालों से रह रहा था। ये बुलडोजर उस बाबा के घर क्यों नहीं चला जिसने बयान दिया देश का माहौल खराब करने की कोशिश की? किस लोगों का उसके ऊपर आशीर्वाद है? कौन उन लोगों को बचाता है? क्यों पुलिस ने एफआईआर नहीं की उनके खिलाफ? अपने आप ऐसे कौन लोग हैं जो चलते हैं, इस तरीके बयान देते हैं? कहां से आते हैं ये लोग? क्या देश की अमन शांति ये लोग चाहते नहीं है? ये इनकी पॉलिसी का हिस्सा है, उकसाना इन लोगों का काम है। ऐसे लोगों को, सत्ता के लोगों का आशीर्वाद सर के ऊपर होता है, पुलिस एफआईआर नहीं करती ऐसे खिलाफ, ना गिरफ्तार करती। अगर सरकार ये फैसले ले कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ किसी के खिलाफ गलत बयान देता है वो सलाखों के बीच होना चाहिए, एनएसए का मुकदमा देकर जेल के अंदर डालना चाहिए उसे। नहीं, लेकिन जिसके खिलाफ, दूसरे समुदाय के खिलाफ अगर कोई पत्थरबाजी होती है, कुछ मामला होता है, एफआईआर करना जाता है, उसका घर हाथ के हाथ अवैध हो जाता है, अब बुलडोजर का सूंड घूम जाता है। वो सूंड उसके यहां क्यों नहीं भूना? जिस आश्रम में बैठे वहां सूंड क्यों नहीं गया? ये नहीं जाएगा क्योंकि उस पर सत्ता के लोगों का आशीर्वाद है। देश में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे बयान आप देखें। लेकिन जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा कर दिया, जिन्होंने पथराव कर दिया, अगर वहां जिसके बुलावे पे वो लोग इकट्ठा हुए, अगर वो कार्रवाई हुई तो वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? मुकदमा देके जेल में डालिए, कानून अपना काम करेगा, सरकार गुंडागर्दी नहीं करेगी। सरकार अगर गुंडा कर देगी कानून का रह गया। ठीक है, ये कानून की बात कहेंगे बुलडोजर चला, कानून की बात है। आपकी सरकार गुंडागर्दी कर रही है, सवाल पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर जो इमरान प्रताप गढ़ी है, कांग्रेस के नेता शायर भी हैं, अपनी शायरी से लोगों को इकट्ठा सांप्रदायिक सौहार्द की बात पढ़ाते हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और उदाहरण देखिए, मध्य प्रदेश छतरपुर में मुख्यमंत्री के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को जमींदोज कर दिया, राज्य सरकारें बहाना तलाश तलाश कर मुसलमानों का घर तोड़ रही हैं। संविधान की शपथ लेने वाली मोदी सरकार इस बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। राज्यसभा के एमपी भी हैं इमरान प्रताप गढ़ी और आशीष शर्मा जी कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बना रही है। आपका जवाब? देखिए, जो अपराध करेगा, अगर अपराध करने में ये लोग आगे आ रहे हैं तो कार्रवाई तो होगी कोई भी, इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस तरह के मामलों में मुसलमानों पर ही कार्रवाई की है। हमने अन्य मामलों में भी लोगों के घर तोड़े हैं। अपराध जितना बड़ा है उतने बड़े अपराध के हिसाब से कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और जहां तक अभी कांग्रेस के नेताजी कह रहे थे, उनका मकान अवैध रूप से बना हुआ है और अवैध संपत्ति को तोड़ने का अधिकार स्थानीय निकाय को है, और इसलिए जो भी हुआ है वो कानून सम्मत हुआ है। लेकिन एक बात मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने थाने पर पथराव किया, पुलिस जो कि हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, कानून को इतना अपने हाथ में ले लेगा, हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लेगा, और अगर ये तो पथराव से ही बात बन गई, लेकिन पथराव से ज्यादा और कुछ हो जाता, एक दो लोग चार लोग और बड़ी हिंसा हो जाती, तो क्या उस समय भी ये कहते कि जिन्होंने पथराव किया उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए? ये गंभीर किस्म के अपराध है, इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है, और इसलिए जो किसी जनता को इकट्ठा करता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो हिंसक नहीं हो, और जनता को यदि उकसाया जा रहा है कार्य के प्रति आवाज उठाने के लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को और खुद ही गलत कर दे रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, देखिए क्या जुलूस निकालेंगे उसका जिसने बयान दिया है? तो महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र का जुलूस निकालेंगे आप? इस तरीके दिखाएंगे देश को ये वो महाराज है जिसने गलत बयान दिया? इसका जुलूस तमाम टीवी चैनलों में देखिए आप, ये हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं, हमारी ईमानदार सरकार है, नहीं बख्शेगी। हम एक समुदाय खिलाफ नहीं, हम हर उस आदमी के खिलाफ है जो देश के अंदर समाज में गलत घृणा फैलाएगा। बोलिए आशीष शर्मा जी, कब जुलूस निकलेगा उस महाराज का?
उम्मीद करते हैं यहां से टीवी से उठते ही देश देख रहा होगा उनका जलूस, दिल्ली पुलिस मध्य प्रदेश की लेके चल रही होगी, हजारों पुलिस वाले जलूस के साथ चल रहे होंगे। यह वो पापी जिसने गलत बयान दिया है, नहीं तो देश के अंदर आपकी धारणा बन गई है, उस धारणा के तहत आप चुन चुन कर जिस तरीके से आप कह रहे हैं अवैध था, अवैध अभी हत्या हो गया 10 घंटे के अंदर या 10 घंटे पहले मकान बनाया, वो अवैध हो गया, अवैध नहीं आपकी सोच अवैध हो गई है, आप एक समुदाय को टारगेट करते हैं, ये आपकी सोच है, इस सोच का नतीजा है कि जिस तरीके से बयान आया वो ऐसा लगता है कहीं पीछे से भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है उनके कि बयान दिलवाइए देश में चुनाव जम्मू कश्मीर हरियाणा में होने जा रहा है, महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ बराबर मिला मध्य प्रदेश झारखंड वहां चुनाव हो रहा है, उस चुनाव को देश का माहौल चेंज करे, देश के अंदर बात सरकार को मोदी जी ने 10 साल के बाद किस तरीके से यूपीएससी के लिए गाड़ी जारी की और जाने के बाद वापस ले कहा मोदी जी ने कहा वापस ले ली, पहले क्या मोहन भगवत जी ने क्या क्या गाइडलाइन जारी कराई थी यूपीएससी से जब भी तो मोदी जी के सारे पे हुई थी, ठीक है तो इसलिए इशारा छोड़ दीजिए दलित खिलाफ खड़ी है सरकार। मोहम्मद आसिफ साहब ठीक है एक सेकेंड, आशीष जी शॉर्ट में आपका आंसर, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे मिली है कि जिन व्यक्ति ने इस जनता को उकसाया था, जो कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी रहे कांग्रेस के नेता है, उनके खिलाफ पहले भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो जिस व्यक्ति का चरित्र आपराधिक है जो जनता को एकत्रित करके पथराव के लिए उकसाता है उस पर ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसी कार्रवाई करेंगे? महाराष्ट्र में कौन सी कार्रवाई करें बोल दीजिए ना, ये सुनने के लिए बैठा हुआ है, बोलिए ना उन्होंने बयान दिया तो कल जलूस निकालेंगे उनका, ठीक है बोलिए ना जलूस का आपकी पार्टी का दौरा है, बोलिए जलूस कब निकालेंगे पार्टी का दौरा है, पहले मध्य प्रदेश की बात रुक जाइए ना, मैं पूछूंगी आप बस शांत हो जाइए। दिनेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, पहला सवाल एलआईयू का फेलियर नहीं था क्या इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दूसरा सवाल जो लोग आए थे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वो क्या हथियार और पत्थर लेकर आए थे, तीसरा सवाल कि अब मालूम पड़ा है क्या कि वो 5 करोड़ की आलिशान कोठी अवैध, उसमें एक हिस्सा अवैध भी था, सर आपका कॉमेंट इस पर। अपर्णा देखिए, एक तो ये बहुत संवेदनशील मसला है, इस संवेदनशील मसले में जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है या जिस तरह के एलिगेशन हो रहा है, तो ऐसे में तो शांति भंग होती है ना। आपको शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहले पुलिस को क्या करना चाहिए था, बात तो एलआईयू की नहीं है केवल, ये स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी बनती है। जब कहीं भी इस तरह की घटना देश में होती है तो एक एडवाइजरी जारी की जाती है, पूरे देश में एक एडवाइजरी जारी होती है, हर स्टेट अपने अपने जो एसपीज हैं उनको एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप सतर्कता बरतें हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा बयान नहीं था, इस बयान से निश्चित तौर पर तनाव फैलना था और रिएक्शन होना था। ये क्या लोग जानते नहीं, क्या ये पुलिस अफसर नहीं जानते, क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानता, क्या सरकार नहीं जानती? यदि नहीं जानते तो इसका तात्पर्य यह है कि उनको फील्ड में नहीं रहना चाहिए। तो जिसको जिसको ये नॉलेज नहीं है, जिसको ये अंदाजा नहीं है कि इस घटना के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो फिर उसे क्यों फील्ड में रखना चाहिए? तो एक तो सबसे पहले ये तो आप पूरी जो इंटेलिजेंस की चेन है भोपाल से लेकर छतरपुर तक की, वो सारी इसमें फेल है। ये तो केवल छतरपुर का एक इंसिडेंट है, गनीमत है कि कहीं इसका रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिला और लोगों ने बहुत जो है उस पर धैर्य बना के रखा। अब दूसरी गलती पुलिस पे उसको देखिए, यदि एक सिंपली एफआईआर लिख लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? बिल्कुल कोई फर्क पड़ जाता क्या? तो लोगों का गुस्सा भी नहीं पड़ता। अब तो जो भारत में नया कानून बनाया है, न्याय संहिता बनी है, उसके तहत तो कहीं भी जीरो पे कायमी करके आप भेज सकते हो। छतरपुर में आप कायमी करते, बॉम्बे पुलिस को भेज देते, महाराष्ट्र भेज देते आप, तो इसमें नए कानून के तहत कौन सी दिक्कत थी? जब आप डिजिटली कह सकते हैं कि कहीं भी आप एफआईआर करा सकते हैं, तो आपको कर लेनी चाहिए, उसे एफआईआर से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। कोताही बरती गई जिसकी वजह से मामला इतना बढ़ गया था। बिल्कुल कोताही तो क्लियर दिख रही है। अब उसको क्या है, जो गलती हो गई है वहां से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको रफू करने की कोशिश है कि उसको जो है हम कैसे ये बताएं कि ये जो है हमारी गलती नहीं है,
ये गलती को छुपाने का है कि आप एक मकान गिरा रहे हैं, आप इस तरह के एक्शन ले रहे हैं। मानिए गरिमत मानिए कि बहुत बड़ा यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता था लेकिन नहीं बढ़ा और यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस से चूक तो हुई है भारी भरकम। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कई बार अंदर अंदर चीजें चलती रहती है। आपने देखा होगा किस तरह से खरगोन में जब दंगा हुआ था उस समय इंटेलिजेंस पकड़ नहीं पाया कि किस तरह से हिंसा हो सकती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कई बार इंटेलिजेंस भी वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसको पहुंचना चाहिए, इस पर विचार किया जाएगा और इस मजबूत बनाया जाएगा। आशीष जी की कोई बात नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ बात सुन लीजिए कि हम थोड़ा निष्क्रिय रहेंगे तो क्या हुआ, कल को बुलडोजर चला ही देंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सरकार भी नहीं चाहती कि कभी किसी का के ऊपर कार्रवाई गलत तरीके से की जाए, लेकिन अगर कोई पुलिस थाने का घेराव करके आवेदन निवेदन करने तक तो ठीक है, लेकिन अगर उस पुलिस थाने पर ही पथराव कर देगा, पुलिस अधिकारियों को गंभीर रूप से घायल कर देगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसे तत्वों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। जो हजारों लोगों की भीड़ है वो तो इतना ही ठीक है, थाने में आग लगा दी जाती है, अगर और ज्यादा हिंसा हो जाती तो फिर आप लोग क्या जवाब देते? वही लोग जो सुरक्षा के लिए खड़े उन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ता और भागे भी, आपके वीडियो में मैंने देखा है। तो इसलिए ऐसे तत्वों पर चाहे वो एक हो दो हो इस तरह की कार्यवाहियां अन्य इस तरह के लोगों के लिए मैसेज का काम करती है और सरकार का काम मैसेज का काम करती है। मोहम्मद आसिफ, सरकार ने मैसेज दिया, पुलिस से कह दिया एफआईआर मत कीजिए बाबा खेला, इससे बड़ा मैसेज क्या देंगे आप देश को? इससे बड़ा मैसेज नहीं हो सकता। एफआईआर होती बात खत्म हो जाती, सलाखों के पीछे होते शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया। आपने प्रशासन से साफ कह दिया एफआईआर मत कीजिए बाबा, जेल के बाहर रहेगा उसका पॉलिटिकली फायदा में उठाना है, हमने एक डिबेट करनी है, घर गिराना है, वो सब चर्चा होनी है, यही तो मकसद है जी आपकी पार्टी का, आपके नेताओं का, जो शीर्ष नेता था आपका, उसी पे आप काम कर रहे हैं। वरना एफआईआर होती बाबा सलाखों के पीछे लोग अपना ज्ञापन देते घर चले जाते, लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को बाबा को शरण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का किसी नहीं है। ये देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, इसके अलावा एक और मेहमान जुड़ गए, जरुद्दीन शेख साहब भी जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर है। शेख साहब थोड़ा देरी से आप जुड़े हैं, लेकिन सवाल यही कि देश का माहौल कौन खराब करना चाहता है, देश का, मध्य प्रदेश का माहौल? देखिए भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण के अंदर पनप रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर अभी चुनाव होना है इसलिए वहां पर रामगिरी महाराज जैसे सोर्सेज को इस्तेमाल किया गया है और ये जानकर किया गया है कि रामगिरी महाराज के द्वारा नबी करीम हुजरत सल्लम की शान में गुस्ताखी, क्योंकि मुसलमान किसी भी हालत को उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमेशा भारतीय जनता पार्टी तो ये एक खेल रहा है कि जब भी चुनाव आए तो हिंदू और मुस्लिम का माहौल बनाया जाए। आप देखेंगे कि अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव होना है उसको देखकर ये किया गया, जूपुर के अंदर अगर ये जो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, ये तो हर भारतीय नागरिक का अधिकार है कि वो अपने अधिकार के तहत प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो है, लेकिन प्रोटेस्ट करने के दौरान पत्थर और हथियार लेकर लोग पहुंच जाएंगे। देखिए इसकी तो मैं घोर निंदा करता हूँ, लेकिन इस हद तक पहुंचने के लिए प्रशासन ने क्यों उनको मौका दिया? अगर ये कोई वहां पर अगर प्रोटेस्ट लेकर आए थे, ज्ञापन लेकर आए थे, अपनी बात लेकर आए थे, जीरो पे टाइमिंग कर लेते, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेज देते, क्यों नहीं की टाइमिंग? हाँ। और इन्होंने जो मकान तोड़ा है ये किस कानून के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, किस धारा के तहत उन्होंने मकान तोड़ा? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी काम कर रही है और सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और दलितों को टारगेट बनाने का काम कर रही है। आशीष जी देखिए इनके आरोपों में कोई दम नहीं है, इनको ये देखना चाहिए कि हमारे लोग तो बता दीजिए ना कि करोड़ों की कोठी खड़ी हो जाती है, उसके बाद जब एक घटना होती है उसके बाद मालूम पड़ता है आप लोगों को कि वो एक हिस्सा इलीगली बनाया गया था, कोठी खड़ी हो गई वो नहीं दिखती किसी को। हम तो ये बोलेंगे कि वो बंगला जब तैयार हो रहा था और अधिकारियों के निगरानी में वो तैयार हो रहा था जिनकी वहां पे ड्यूटी थी, सबसे पहले उनके मकान टूटने चाहिए। देखिए बहुत सारी इमारतें अगर किसी अपराधी के गिराई गई है, संपत्ति नष्ट की गई है, तो उसके पीछे जो आधार है उस आधार को विभाग पुष्ट करेगा ही करेगा, और ये बगैर अनुमति पर ही है इसलिए उसको ध्वस्त किया गया है।
कानून का के साथ खिलवाड़ ना तो हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी कानून का पालन कराना। और फिर आपसे कह रहा हूं इस तरह की घटनाएं जो करते हैं उनको पूरे प्रदेश में मैसेज देने के लिए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है। आपराधिक तत्वों को समाज में अलगाव और उद्वेष पैदा करने वाले तत्वों पर यदि कठोरता पूर्वक कार्रवाई नहीं होगी, कोई पहली बार तो नहीं है, पिछली सरकार में भी हमने की है, इस सरकार में भी की है। अवैध निर्माण वाला अगर किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाया जा रहा है, हमने चाइना के मांझे करवा दे, सुनिए चाइना का मांझा इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई की है, महाकाल की सवारी पर थूकने वालों पर भी कार्रवाई की है, और बच्चों के साथ पार्टी के नेता आज दिन पुलिस के साथ और हिंदूवादी संगठन पुलिस के साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कितने का मकान टूट रहे हैं, चेहरा देख कर नाम देख कर कार्रवाई करते हैं क्या? देखिए और बहुत सारे मामलों में किस तरीके से मंदिर के अंदर अवैध टंगला था, अवैध टंगला बनने के अंदर साल दो साल लगे, जब किसी मंदिर निर्माण के अंदर काम किया सरकारी पैसा लगा उसके अंदर अवैध पाया गया, क्या उनके मकान गिरा आपने? जो घोटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया उसके अंदर उस मंत्री घर चला आपके? नहीं घूमा बल्डोजर का सूंड, सूंड आपका सिर्फ रुका हुआ है राजनीतिक तौर करने के लिए। मैं अपने खुले तौर पे कह रहा हूँ महाराज को कब गिरफ्तार करके देश को बढ़ाते हुए की मामला बहुत ही ये सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मामला है, तो इसलिए इसमें संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए और वक्त रहते अगर सक्रियता दिखाई गई होती तो आज नौबत इस बहस की नहीं आती।